नमस्कार एनबीसी न्यूज की प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो डालते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। एक तरफ जहां सरकार पर्यावरण की समस्या को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है या नहीं, हर साल करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाने का दावा भी किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी जिले में लकड़कट्टों की नजर अब इन हरे भरे पेड़ों पर जम गई है और वह संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार हरे पेड़ों पर आरा चलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का कार्य करने में जुटी है। कुछ ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी जिले के भीरा रेंज के हजाराबाग से जुड़ा है। यहां पर हजारों की संख्या में लगे आम के पेड़ अब पर्यावरण के दुश्मनों पर निशाने पर आ गए हैं, जिसमें अभी तक सैकड़ों की तादाद में हरे भरे पेड़ काट दिए गए और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। इस बात की जानकारी होने पर भी न ही वन विभाग और न ही पुलिस मामले में कार्रवाई करती नजर आ रही है। वन विभाग के रेंज से जुड़े अधिकारी इसे कानूनन जायज बता रहे हैं, साथ में निकासी के लिए लगातार संबंधित ठेकेदार द्वारा परमिशन दिए जाने की बात कह रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाने से पर्यावरण प्रेमियों में काफी रोष व्याप्त हो गया है। इस पूरे मामले में वन विभाग की माने तो किसान द्वारा उनको एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी कलमी बाग के स्थान पर नई बाग लगाने की बात कही। कलमी आम के बाग काटने के लिए वन विभाग से किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी तादाद में हरे पेड़ों पर लकड़ी कट्टों के द्वारा आरा चलाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं घोटाला नजर आ रहा है। यदि इन घोटालों की जांच की जाए तो एक बड़ा राज खुलकर सामने आ सकता है। और वही एक बात पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता नजर आ रहा है कि जिस तरह से जिले में लकड़ी कट्टों के द्वारा हरे पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है और संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली पर भी ये बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता नजर आ रहा है। हजाराबाग में जिसका बाग है, वो हमको उन्होंने एफिडेविट एक दिया है कि कलमी आम है वो, और जब हमने पता किया तो सब लोग बता रहे हैं कि वो कलमी आम ही है और 70 साल से ज़्यादा पुराने पेड़ हैं। उसको जो किसान हैं वो पेड़ों को उसको काट के और नए जो है कलमी आम के पेड़ लगाने के लिए वो उन्होंने हमको एक एप्लीकेशन दिया है। उसी चूँकि कलमी आम के कटान के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो है वो अपना कटान कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के निर्णय को लेकर कड़ा विरोध शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले सैकड़ों नागरिकों ने कमिश्नरी पर धरना देते हुए जमकर हंगामा किया है। संगठन के बैनर तले कमिश्नरी पार्क में एकत्रित हुई महिला और पुरुषों ने धरना देते हुए स्कूल खोले जाने के फैसले पर रोष जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह फैसला शिक्षा माफियों के दबाव में लिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि देश के संविधान को ताक पर रखकर आज के समय में शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। पूंजीपति शिक्षा को व्यापार की तरह प्रयोग कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति कई कई शिक्षण संस्थानें खोलकर सरकार का टैक्स का चूना लगाकर हर साल करोड़ों के न्यारे व्यारे कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को तत्काल खत्म किए जाने और शिक्षण संस्थानों के जरिए करोड़ों का मुनाफा कमा रहे व्यापारियों से रिकवरी किए जाने की मांग की। इसी के साथ कोरोना काल के दौरान सभी छात्रों की फीस माफी की मांग उठाते हुए सरकार से स्कूल खोले जाने के फैसले को वापस लिए जाने की भी मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षा माफियों के दबाव में सरकार ने नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ किया तो देश भर में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। दुर्गा पूजा में मूर्तियों के सार्वजनिक स्थान पर रखने की रोक से मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हुई है। मूर्तिकारों पर कोरोना की मार से बेहाल मूर्ति निर्माता रोजी रोटी परिवार का भरण पोषण कैसे करे, अब यह समस्या कारागिरों के सामने खड़ी है। फिरोजाबाद जिले में आजकल कोरोना की मार से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। इस बीमारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा चालू हो रही है। जगह जगह स्थापित होने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की सरकार ने गाइडलाइन जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर रोक ने मूर्ति बाजार में बिक्री पर बेरौनक कर दिया है। मूर्ति कारागर परेशान है, इन्हीं की बिक्री से रोजी रोटी चलती है, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों का खर्चा इन्हीं मूर्ति बिक्रियों से निकलता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को की माने तो बिक्री न होना कारागिरों की चिंता और परेशानी का कारण बन गया है। बस एक ही चिंता, आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। वैसे बिक्री हो रही है कोरोना में, वैसे ये सरकार ने मतलब बंद करवा दी। हल्की दुकानदारी है पहले, ये हल्की दुकानदारी है, अब सरकार ने पूरा बंद ही कर दिया है। कोई चीज वो ही नहीं निकाल रही है, अब जो अपनी हल्की बिक्री है थोड़ी बहुत। बस अंकल बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही है,
कोरोना लगाया इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं बिक रही है मूर्तियाँ। खाना खर्चा भी, हमारी पढ़ाई भी तो नहीं चलती। अरे कुछ नहीं हो रही है इसमें, लॉकडाउन में मारा मिट्टी है ये तो समझो। अच्छा, ना के बराबर में उससे मुश्किल से हर साल बिकती है पूरी, कम से कम आधी थी दुकान खाली हो जाती है हमारी जी हर समय। लेकिन इस साल ये समझो ज्यादा मुश्किल से एक दिन में मुश्किल से एक आध दो मूर्ति निकल पा रही है। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। गुलवाठी पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुलवाठी पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के मोहल्ला नन्नू खास में एक व्यक्ति अवैध रूप से पटाखे बना रहा है। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक के निर्देशन में उप निरीक्षक स्वाति शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मोहल्ला नन्नू खा में दबिश दी, जहां अरशद पुत्र नसीर के मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने मौके से 35 कार्टून छोटे बम, एक बोरी सफेद पाउडर और एक बोरी सिल्वर पाउडर, 1000 खाली बम, 1000 रैपर बम, एक छलनी व एक टेपिंग मशीन बरामद की, तथा साथ ही आरोपी इरशाद पुत्र नसीर को भी गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक ने बताया कि नगर में अवैध रूप से फटाकों का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई अवैध रूप से फटाकों का निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। नौजवानों के दिलो दिमाग पर मोबाइल पर गेमिंग का नशा इस कदर हावी है, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरठ में भी एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया, जहां पिता ने जब बेटे को मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो सिर फिर बेटे ने अपने ही पिता की गर्दन छुरी से रेत डाली। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने खुद की गर्दन पर भी छुरी से कई वार किए है, जिसके बाद हड़कंप मच गया और दोनों को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। फिलहाल दोनों जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मामला मेरठ के थाना खरखौंदा क्षेत्र के एवन कॉलोनी का है, जहां आमिर नाम का एक युवक मोबाइल पर गेम खेलने का आदी है। युवक के दिलो दिमाग पर गेमिंग का नशा इस कदर था कि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। पहले पबजी और अब इसी की तर्ज पर कई और गेम खेलने में दिन रात एक कर देता। पिता इरफान ने जब बेटे को मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो यही बात बेटे को नागवार गुजरी और उसने पहले तो अपने पिता से हाथापाई की, जिसके बाद घर में रखी छुरी से अपना पिता की गर्दन ही रेत डाली। पिता पर जानलेवा हमले से कोहराम मच गया, जिसके बाद आमिर घबरा गया और उसने खुद की भी गर्दन में छुरी से कई वार कर डाले। आसपास के लोगों ने दोनों को तुरंत मेडिकल अस्पताल पहुंचा दिया। फिलहाल दोनों के हालात गंभीर हैं, दोनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आमिर की इस लत के कारण इलाके के लोग उसे मानसिक रोगी भी कहते हैं। पिता ने उसका इलाज भी कई बार शुरू करना चाहा, लेकिन मोबाइल पर गेम की लत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अब अंजाम आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में अब गांव में भी शहरों की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। सरकार द्वारा गांव में पार्कों का निर्माण कार्य शुरू किया है। वही कानपुर देहात के नौबादपुर गांव में मनरेगा पार्क के निर्माण पर करीब 18 लाख रुपए खर्च किए गए और एक आलिशान पार्क ग्राम के प्रधान और सचिव के मेहनत से बनवाया गया। पार्क में लोग सैर करने के साथ ही योगा भी कर सकेंगे। वही आज कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने योगा पार्क का फितकाट कर शुभारम्भ किया है। इस दौरान उनके साथ खंड विकास अधिकारी और ADO पंचायत मधुलता आदित्य मौजूद रही। वही मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि गांव के पंचायती जमीन पर पार्क का निर्माण कार्य पूरा किया गया। ये योजना के अनुसार पार्क में लोगों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। आज गुरुवार को जनपद कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि अमरोंधा विकास कांड के नौबतपुर गाँव में एक सुंदर मनरेगा पार्क का निर्माण कराया गया है। इस दौरान प्रथम ग्राम प्रधान महाराज सिंह ने बताया कि सुंदरीकरण के क्रम में ग्राम सभा में करीब 18 लाख कीमत का योगा पार्क का निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत नौबादपुर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान महाराज सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जमकर सराहना की। शासन की मंशा के अनुरूप जैसे प्रत्येक ब्लॉक में एक पार्क बनाने का मनरेगा योजना के तहत प्रस्तावना की, इसी के तहत अमरोधा ब्लॉक में ग्राम पंचायत नौबादपुर में मनरेगा योजना के तहत 18,82,000 का एक नरेगा का पार्क बनाया गया है, जिसमें मंच की व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं और वही पूरा बाउंड्री से चारों ओर से और तार फेंसिंग से बहुत सुंदर पार्क ये बनाया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी और प्रधान जी बधाई के पात्र हैं। इसमें हमारे उपायुक्त नरेगा ने काफ़ी मेहनत करी है और एक कानपुर से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट।
हापुड़ कोर्ट ने मासूम से रेप और हत्या सहित अन्य मामलों में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। हरेंद्र त्यागी विशेष लोक अभियोजक पोस्को ने जानकारी देते हुए बताया कि मासूम से रेप और हत्या के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। हापुड़ कोर्ट ने मासूम से रेप और हत्या सहित अन्य मामलों में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। हरेंद्र त्यागी विशेष लोक अभियोजक पोस्को ने जानकारी देते हुए बताया कि मासूम से रेप और हत्या के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं ऐसे फैसले से जनता में भी जागृति होगी। बताया जा रहा है कि थाना देहात क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व यानी कि 2018 में एक मासूम के साथ घर में घुसकर रेप और हत्या की गई थी। साथ ही मासूम के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। हरेंद्र त्यागी विशेष लोक अभियोजक पोस्को ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि फांसी की सजा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दंड की पुष्टि हेतु भेजी जाएगी। दो अभियुक्तों को जिन्होंने एक नाबालिग बलात्कार किया था, उसका मर्डर किया था, उसके भाई को मरा हुआ छोड़ दिया था, और उसमें जो हमारी स्पेशल लेडी जो कोर्ट है पोक्सो फर्स्ट श्रीमती मीना नारायण जी के न्यायालय से ये आज मृत्युदंड दो अभियुक्तों को अंकुर और सोनू को दिया गया है। उससे अलग भी जो अलग अलग सेक्शन है उनमें भी उनको आजीवन कारावास भी अधिदंड अलग अलग उसमें दिया गया है। और जब से हापुड़ जनपद का गठन हुआ है ये पहला ऐसा मामला है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है, और ये आम जनता में अभी लगे विश्वास कर जाएगा न्यायपालिका के प्रति, और सभी ने इसमें हमारे अभियोजन तैयारी जो भी हमारे लोग साथी टीम ने सब ने टीम वर्क किया, स्टैनो हो पेशकार हो सभी का सहयोग रहा है, और मैं समझता हूँ जो पीड़ित परिवार है उसको भी मानसिक रूप से ये लगेगा कि चलो कुछ न्याय हुआ है जो बच्चे उनके साथ घटना हुई है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद विंध्याचल धाम में हवन पूजन किया जा रहा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मुख्य यजमान की भूमिका अदा की है, कहा कि वह सदैव स्वस्थ रहे, उनके नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आए। सपा सुप्रीमो के तीर्थ पुरोहित ने कहा कि उनकी स्वस्थता के लिए 1,25,000 महामृत्युंजय जप आरम्भ किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। सपा नेता मुलायम सिंह की स्वस्थता की कामना के साथ ही जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में सविधि दर्शन पूजन किया गया। साथ ही इस दौरान हवन भी रखा गया था। जिलाध्यक्ष ने हवन पूजन कर जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की। हम लोग माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए यज्ञ पूजन उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ माता रानी का हम लोगों ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के उपरांत महामृत्युंजय का हम लोगों ने 1,25,000 महामृत्युंजय का जाप के लिए हम लोग संकल्पित हुआ, और संकल्पित होने के तत्पश्चात भोगान जैसा पर्वतुष्टानुष्टाम से हम लोगों ने यज्ञ करके माता रानी के हवन कुंड में आहूति दिया। सपा नेता के परिवार के तीर्थ पुरोहित भी माता के दरबार में हवन पूजन के साथ ही जाप भी करवा रही हैं। मैं समाजवादी पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ। हमारे माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में अपने पूरी राज मिश्रा जी के साथ, विद्या मिश्रा जी के साथ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हमारे जो सुरक्षा और नेता हैं उनके स्वस्थ दीर्घायु होने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यक्त किए हैं। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। तो आज के प्रदेश के खबरों में वक्त हो चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए NBCN न्यूज़। नमस्कार।